इतना सेंसिटिव इलाका होने का बावजूद और 2 जनवरी में खबर होने का बावजूद पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री जी का प्रोटेक्शन का तो कुछ व्यवस्था किया ही नहीं, साथ में साजिश रचने का काम किया। आज ये जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, स्टिंग ऑपरेशन में जो थाना का एसएसओ का जो बयान रिकॉर्डिंग हुआ है और डीएसपी का जो बयान रिकॉर्डिंग हुआ है, ये दोनों बयान से क्लियर है कि ये साजिश 2 जनवरी से ही आगे से ही रचा जा रहा था, लेकिन 2 जनवरी में ये पंजाब पुलिस का नजर में आ गया था। अगर पंजाब पुलिस का नजर में आ गया है तो जरूर ये मुख्यमंत्री जी का भी नजर में आया था। और सबसे भयंकर बात जो था, वो दिन पंजाब का मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं किसी कोविड व्यक्ति का संपर्क में आया, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने नहीं गया। लेकिन घटना का एक दिन बाद वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, बिना मास्क लगाते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। अगर 5 जनवरी में आप में कोविड का शंका था या आप कोविड इन्फेक्टेड होने का आपका प्रश्न था, तो तुरंत बाद वो बात कैसे खत्म हो गया? आप कोविड से तुरंत मुक्त हो गया क्या, या कोविड से आपका जो नजदीक का लोग कोविड हुआ था उससे जो खतरा था वो तुरंत खत्म हो गया क्या? और साथ में आप ये भी देखेगा कि प्रधानमंत्री जी का लाइफ का ऊपर थ्रेट हुआ, मर्डरस अटेम्प्ट हुआ, उनको पंजाब का मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग करना था या राष्ट्रपति को ब्रीफिंग करना था, लेकिन वो उसका बारे में ब्रीफिंग कर रहा था किसको? प्रियंका गांधी को या कोई कांग्रेस का ऑफिस बेयरर का। दिस इज ऑल अबाउट स्टेट, इट इज नॉट अबाउट पार्टी। अगर प्रधानमंत्री जी का कोई लाइफ का ऊपर ट्रेड हुआ था, उसका ऊपर आपको किसका साथ बातचीत करना चाहिए था? राष्ट्रपति जी से या खुद प्रधानमंत्री जी से या तो गृह मंत्री जी से? लेकिन आप किससे बात कर रहा था? आप बात कर रहा था कांग्रेस का अधिकारी से। और आपका तो कोविड के लिए आप नहीं गया प्रधानमंत्री का कारकेड में, लेकिन आपका डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी वो दिन गुम था। ये मिला के स्टिंग ऑपरेशन और वो दिन का जो घटना हुआ, जो एविडेंस अभी इमर्ज हुआ है, इससे आज पूरा ये क्लियर हो गया कि प्रधानमंत्री जी का हत्या का एक बहुत ही घृणनीय षड्यंत्र कांग्रेस हाईकमान और पंजाब का मुख्यमंत्री मिलके किया था।